शिक्षा से तात्पर्य है सीखना, जो मनुष्य के क्षमता को विकसित कर उसके भविष्य की राह को आसान बनाती है। शिक्षा जीवन पर्यंत सीखने की एक अनवरत प्रक्रिया है, जो समाज के सर्वांगीण विकास की राह तैयार करने का बीड़ा उठाती है और नागरिकों के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण भी करती है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा ही करती है। यदि हम संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 45 तथा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। परंतु कोरोना काल की बात करें तो न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व में सबसे बुरी तरह से यदि कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वह है शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कोरोना काल में 160 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार 70 करोड़ बच्चे अपने घरों से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा स्कूली शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता और एवं इसकी उपलब्धता एक सीमित वर्ग को ही है। भारत जैसे देश में बंद स्कूलों का अर्थ है और अधिक बाल विवाह और अधिक बाल मजदूरी और अधिक बच्चों का कुपोषित होना और अधिक बच्चों का यौन शोषण। इस गंभीर चुनौती को देखते हुए विधायक क्लब सभागार में यूनिसेफ और स्वनीति के द्वारा माननीय सदस्यों का राउंड टेबल आयोजित किया गया। प्रस्तुत है उक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा का व्याख्यान। स्कूल के चार दीवारों के बीच रह करके शिक्षा अध्ययन करना उनके जैसा प्रकृतिवाद आदमी के लिए बहुत सटीक नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरे प्रकृति को ही स्कूल मान करके शिक्षा ग्रहण करने का काम किए और अंत में देखे उन्हें नोबेल भी मिला और आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध लेखक के रूप में, प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो लोग नॉन फॉर्मल वे में भी हम लोग सीखते हैं, नहीं सीखते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे मनीषी, ऐसे फिलोसोफर, ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जो सही मायने में स्कूलिंग क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन वे बहुत बड़ा पंडित हैं, वे बहुत बड़ा फिलोसोफर हैं, वे बहुत बड़ा कवि हैं। इस तरह का दृष्टांत भी दुनिया में मिलता है, तो मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। आज के इस कोरोना काल में स्कूलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो लोग एडमिटेड हैं, जो लोग अध्ययनरत हैं, चाहे प्रारंभिक क्लास में हो, चाहे माध्यमिक में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, इस कोरोना काल में उनके संस्थान बंद हो जाने के कारण मैं समझता हूँ एक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि आज के समय में बाकी एजुकेशन सिस्टम का उतना महत्व नहीं रह गया है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिटोरियस नहीं होते हैं, जो जीनियस नहीं होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकृति को क्लासरूम के रूप में एक्सेप्ट करना उनके लिए भी बहुत बड़ा चुनौती होता है। इसलिए उनके जीवन में स्कूलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं समझता हूँ, हम सारे लोग जानते हैं, स्कूल में करिकुलम होता है, स्कूल में सिलेबस होता है और करिकुलम और सिलेबस स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से बांटा हुआ रहता है। उनको इतना महीने के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है, इसके बारे में ज्ञान हासिल करना पड़ता है। अगर उसमें वह पीछे हो जाते हैं तो फिर आने वाला समय में वो पीछे वाला टास्क पूरा करने में उनको बहुत दिक्कत होता है। और मैं समझता हूँ व्यक्तित्व विकास के लिए और हर इंडिविजुअल के इनेट पोटेंशियलिटीज को बाहर निकालने के लिए इन संस्था को बहुत जरूरी होता है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस भी पार हो गया,
हम लोग एक चीज को मानते हैं, टीचर इज एन आर्टिस्ट, स्टूडेंट रॉ मटेरियल्स ऑन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, और टीचर अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया एंड आइडियोलॉजी उस विद्यार्थी को बनाते हैं। और उसके पीछे और क्या कारण है, शिक्षक उन्हें अध्ययन करते हैं कि इन विद्यार्थियों के बीच में अंदर में कौन सा प्रवृत्ति विराजमान है। या तो वे साइंस पढ़ने में इच्छुक हैं, आर्ट्स पढ़ने में इच्छुक हैं, खेलने में इच्छुक हैं, विज्ञान की तरफ उनका झुकाव है, तरह तरह की प्रवणता को उनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों का स्टडी करते हैं। और अध्ययन करने के बाद उनके अंदर में जो निहित गुण है, उनका जो इनेट पोटेंशियलिटीज है, उनको भी प्रस्फुटित करने का काम करते हैं। और उनको प्रस्फुटित करने के बाद वो एक विकसित और संतुलित व्यक्तित्व का इंसान होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के तारीख में एजुकेशन का बहुत सारा सिस्टम व्यवस्था के मुताबिक चालू हो गया है, आप ऑनलाइन एजुकेशन भी दिया जा रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्कूलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, ये विद्यालय का या पाठशाला का विकल्प दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। विद्यालय में गुरुओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है, जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो शिक्षा दिया जाता है, उसका विकल्प ऑनलाइन से नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूँ आज ऐसे बच्चे जो प्रारंभिक अवस्था में है, जिनका व्यक्तित्व विकास करने का उत्तरदायित्व तो शिक्षक पर है, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ये नहीं कर सकते हैं। और हम लोग एक दूसरे पहलू पर अगर ध्यान दें तो शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब व्यक्तित्व का विकास भी है। यानी कोई भी इंसान का अगर संतुलित व्यक्तित्व नहीं होता है, हम कितनों किताब पढ़ रहे हैं और समाज के अच्छा गुण और नीति के हिसाब से अगर हम अपने आप को नहीं स्थापित कर पाए, तो मैं नहीं कहता कि वह शिक्षित किस श्रेणी में आता है। एक सीधी सी उदाहरण है, चेंज ऑफ बिहेवियर मीन्स एजुकेशन, व्यवहारिक परिवर्तन ही आदमी का शिक्षा का मूल चीज है। तो जिन आदमियों में, जिन व्यक्तियों में व्यवहारिक परिवर्तन नहीं है, सामाजिक रूप से व्यवहार में परिवर्तन नहीं है और उसका अनुकूल नहीं है, उसको आप अगर शिक्षित न भी कहें तो मैं समझता हूं बहुत खराब बात नहीं है। मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हो सकता है कि हम एक डॉक्टर हैं, हम एक पॉलिटिशियन हैं, हम एक इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में जो मॉरल एजुकेशन है, नैतिक गुण है, उस नैतिक गुण के अभाव अगर हम में है तो हम उनको एजुकेशन के श्रेणी में नहीं मान सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चेंज ऑफ बिहेवियर मीन्स एजुकेशन। तो हर आदमी जब वे स्कूल में जाते हैं, सहपाठी के साथ अध्ययन करते हैं, तो स्कूल का जो परिपाटी होता है, स्कूल का जो नियम कानून कायदा होता है, उन तमाम चीज से उनके इन व्यक्तित्वों को विकास करने में सहयोग करता है। दूसरा बात मैं ये भी कर रहा था कि आप सिर्फ किताबी विद्या दिए, किताबी ज्ञान आहरण करने के लिए विद्यार्थियों के बीच आपने ज्ञान प्रोवाइड किए, ज्ञान दिए, उससे भी नहीं होता है। एक अच्छे इंसान बनाने के लिए उनके अंदर हर गुण का जरूरत है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में ही रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिया, उनको बहुत लेखकों ने उन समय उनके जीवन ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए आग्रह किए थे, तो उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं थी। एक किताब है उनका जीवन सृष्टि, हालांकि किताब शायद बंगाली और हिंदी में अनुवाद है, मुझे जानकारी नहीं, तो जीवन सृष्टि में लिखे थे। तो उनका पिताजी रविंद्रनाथ टैगोर को भी महर्षि थे,
तो उनके व्यक्तित्व विकास करने के लिए कैसे मेहनत किए थे, एक संतुलित व्यक्तित्व का आदमी बनने के लिए आदमी को क्या क्या जरूरत है। आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा में सबसे पहले बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, पहले आपको बॉडीली एजुकेटेड होना पड़ता है। शारीरिक रूप से आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप ढंग का विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे, और ढंग का विद्या अध्ययन अगर नहीं करेंगे तो विद्या का जो अंतिम पर्याय होता है जिसको स्पिरिचुअल एजुकेशन बोलता है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। इसलिए इन सिद्धांतों को मानते हुए उनका पिताजी उनको सुबह उठ करके एक पहलवान जो अंधा थे उनके साथ कुश्ती लड़ना पड़ता था, और कुश्ती लड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आकर के उनका शरीर विद्या के बारे में उनको सिखाते थे। शरीर विद्या के बारे में सीखने के बाद जब 14 साल का उम्र पार हुआ, जिसको उपनयन बोलता है, पैता बोलता है, जनऊ जो संस्कार होता है होने के बाद उनको पहली बार जीवन में घर से बाहर निकलने का मौका मिला था। तो उस समय शांति निकेतन का आविष्कार ही हो रहा था, उनके पिताजी उस जगह को चुन लिए थे उपासना करने का जगह। शांति निकेतन लेके गए, शांति निकेतन में जाने के बाद वो सोचे कि एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान होने के लिए उनके अंदर मैथमेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उनको डेली 10 रुपया दिया जाता था कि तुम जैसा चाहो इस 10 रुपया का खर्चा करो, लेकिन शाम जब हो जाएगा तो इस 10 रुपया का पूरा अकाउंट तुम हमको बता दो। तो उनको 10 रुपया खर्चा करने के लिए दिया जाता था, 10 रुपया खर्चा करने के बाद सारा अकाउंट शाम को अपने पिताजी के पास सुपुर्द करते थे। उनको एक अच्छा घड़ी उस समय दिया गया, घड़ी देने के बाद कह दिया गया कि देखो इस घड़ी में चाबी देना पड़ता है, अब तुम समय पर अगर चाबी नहीं दोगे तो हो सकता है ये घड़ी चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। यानी उत्तरदायित्व का ज्ञान, उन्होंने नियत समय पर घड़ी में चाबी देना स्टार्ट किए, उत्तरदायित्व का ज्ञान आया। उसके बाद उस समय से ही लिखते थे, लिखने के क्रम में देखे कि आदमी खाली एक तरह का चीज लिखेगा तो वह भी ठीक नहीं होता है। तो उनको कहा गया कि तुम ऐसा चीज लिखो कि शाम में तुम्हारा लिखने का जब तुम पाठ करोगे तो हमको हंसी आए, उस तरह का भी लिखने के लिए उनको सिखाया गया। उस तरह का भी लेखन लिखने लगे। माने आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को विकसित करने के लिए कितने सारे आयाम पर उनको ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद उस समय जो वर्तमान में साहेबगंज स्टेशन है वहाँ होकर के उनको दूसरे जगह जाना था, तो साहेबगंज स्टेशन पर जाकर के एक टीटी ने उनको पकड़ लिया। तो कलकत्ता के ठाकुर परिवार का आदमी जिनके पास पर्याप्त तो पैसा था, वो कभी टिकट नहीं लेकर जर्नी करने वाला नहीं था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का शरीर का जो विकास था वो देखने से लगता था कि इनका उम्र ज़्यादा हो गया, टीटी पकड़ लिया। उसके बाद पैसे फाइन किए, पैसे दिए, सारा पैसा प्लेटफॉर्म पर फेंक दिए। इसके पीछे ये क्या कारण था, ये अन्याय के विरुद्ध लड़ने का प्रवृत्ति भी इंसान के अंदर में होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक व्यक्ति का विकास होता है। आज के तारीख में मैं समझता हूँ हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी में क्या है नहीं है आप भी जानते हैं, विदेश में भी कुछ कुछ ऐसे जगह है कि 14 साल 15 साल तक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है संस्था में, और 15 साल तक सिर्फ यही अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाएं जो बेहतर कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन अगर चाहे इनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही दाखिला दे देंगे या मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला दे देंगे ताकि वो एक गुड फिजिशियन, एक गुड इंजीनियर बने, ऐसा नहीं। हो सकता है कि इनको डायरेक्ट संगीत की ओर भी करते हैं और 14 साल तक उनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वहाँ पर काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग के बाद उसको उनके किस विधा में ये विद्यार्थी कारगर होगा उस विधा को काउंसलिंग के दरमियान उनको बोला जाता है। इसमें होता यह है कि हम लोग बहुत सारे लोग वर्तमान व्यवस्था में हर गार्जियन, हर माता पिता, हर पेरेंट्स चाहता क्या है, समाज का जो मांग है अभी हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा कमाऊ पुत बने, माना मेरा लड़का अधिक से अधिक पैसा कमाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, उसके बाद उसका कुछ हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है।
और ये प्रवृत्ति समाज में पैदा होने हो जाने के बाद कभी कभी आप देखे हैं समाज में ओवर इम्फेसिस ऑफ द स्टूडेंट, उसके ऊपर बेचारा इंजीनियर बनने लायक उसका आईक्यू है नहीं। जिस मेधा शाश्वत चीज है जो ईश्वर का दिया हुआ है, बुद्धि का तीक्ष्णता, लेकिन जबरदस्ती उसको आप मैथमेटिक्स में डाल दिए, बेचारा लिटरेचर पढ़ने लायक है, अंत में क्या होता है वो विद्यार्थी डेलिक्वेंट चाइल्ड बन जाता है और फिर पूरे जीवन भर वो पटरी पे नहीं आ पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे वैसे इंडिविजुअल है जो प्रारंभिक जीवन से आने के बाद प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए इसका भी व्यवस्था हम समझते हैं कि स्कूल के अंदर में है। आप देखिएगा पाठशाला में शिक्षक हैं तो गार्जियन को कहते हैं कि आपका बेटा विज्ञान में ठीक है, आपका बेटा ग्रामर में ठीक है, लिटरेचर में ठीक है, और गार्जियन का भी मन होता है। तो मेरा कहने का खास तात्पर्य यह है कि आज का समय में एजुकेशन कमाऊ एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का जैसा नहीं होना चाहिए। उनके प्रवणता को, उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को अध्ययन करने के बाद उनको दिशा देना चाहिए जो आने वाला समय में एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में काम करेंगे। और मैं समझता हूँ सब तो टैगोर परिवार नहीं है, कलकत्ता का ठाकुरबाड़ी, इन तमाम चीज़ों का मिल अगर सकता है हम लोगों को तो एक अच्छा प्रतिष्ठान में, अच्छा स्कूलों में, अच्छा स्कूल और प्रतिष्ठान में अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो निश्चित रूप से उनका करियर, उनका जीवन बहुत बेहतर बनता है। और बहुत बेहतर बनने के बाद कभी उनको जीवन में फ्रस्ट्रेशन का परिस्थिति नहीं आता। इसलिए मैं अभिभावक से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चा के एजुकेशन के लिए उसके ऊपर इतना दबाव न दे ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आकर के डेलिक्वेंट न बन जाए। इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने का आवश्यकता है। और इस कोरोना काल में बच्चों का जो करीबन 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, स्कूल जो बंद है 1.5 साल में, इसमें निश्चित रूप से ये जो क्षति विद्यार्थियों का हुआ, ये क्षति उनके जीवन में अपूरणीय क्षति है। अब हम तमाम लोगों को, विशेष करके शिक्षक को, अभिभावक को मिल बैठ करके इस पर चर्चा करना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल का जो गैप है, जिसमें स्कूल जाना छोड़ दिए, स्कूल का आदत छोड़ दिए, स्कूल में खेलना छोड़ दिए, स्कूल में बैठना छोड़ दिए, इन तमाम चीज़ होने के बाद उनके जीवन में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा शिक्षा के प्रति, इसको भरपाई करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप लोगों को जैसा संस्था देश में और समाज में जो इस पैंडेमिक परिस्थिति के चलते जो उत्पन्न परिस्थिति हुआ, इस परिस्थिति में इन बच्चों के अभिभावक को, इन बच्चा जिस संस्था में पढ़ते हैं उनको दिशा देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आप तमाम लोगों को अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं और आने वाला समय में आप लोगों के बीच से ही एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, एक ऐसा रास्ता निकलेगा विचार और मंथन के माध्यम से, जिसमें हमारे विद्यार्थी जो पढ़ाई में पीछे छूट गए, उनके पढ़ाई का भरपाई कैसे हो, कैसे उनको हम लोग आगे तक ले जाएं। जीवन तो सीमित है, पढ़ने का समय भी सीमित है, विद्यार्थी जीवन भी सीमित है। इन सीमित जीवन में इन समय का जो भरपाई हम लोग करेंगे, उनका रास्ता निकालने के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।